एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मेरे बालों का लुक थोड़ा अजीब दिख रहा होगा क्योंकि मैंने की हुई है हैवी हेयर ऑयलिंग एंड आज मैं वॉश नहीं कर पाई, तो इसी हेयर के साथ मैं आपको हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और आज मैं बताने वाली हूँ इस रबड़ बैंड की मदद से तीन बहुत ही सुंदर से हेयर स्टाइल्स। तो अगर आपके पास भी इस तरीके का कपड़े वाला रबड़ बैंड है तो आप ये हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, बातें ज़्यादा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मेरा सिलाई कोर्स प्रीत तिवारी चैनल है उसको भी सपोर्ट कीजिए, उस चैनल को भी जाइए चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से अच्छे से कॉम कर लेंगे बालों को। ओके, आप चाहो तो हाई लो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना बन कितना ऊंचा रखना है या फिर लो रखना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ तक अपने बन को रखा है और यहाँ पे रबड़ बैंड लगा लूँगी। रबड़ बैंड को ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है। इसके बाद से यहाँ से थोड़ा सा जो हेयर है इसको रबड़ बैंड को फैलाएंगे और इस तरीके से फिंगर नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ओके, और हेयर को नीचे की तरफ से लेके आएंगे और ऊपर की तरफ खींच देंगे। ओके, इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। अगेन जो आपका हेयर बचा हुआ है इसको दोबारा से, जो आपका रबड़ बैंड है इसको ऐसे फैलाएंगे, फिंगर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर से इसको खींच देंगे। ओके, और आपका जो यहाँ से है यहाँ से ये रबड़ बैंड दिखना चाहिए, बाकी हेयर को आप नीचे की तरफ ही इस तरीके से खींच के हेयर को अच्छे से सेट कर लीजिएगा रबड़ बैंड में। ओके, और इस तरीके का फर्स्ट जो बन का लुक है वो कुछ इस तरीके का आएगा। ऊपर से आपको यहाँ पे रबड़ बैंड थोड़ा बहुत दिखेगा जिससे कि आपका हेयर स्टाइल और भी अच्छा दिखेगा, जैसा लगेगा कि आपने कुछ यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल है ओनली वन रबड़ बैंड की मदद से, ये जो ये कपड़े वाला रबड़ बैंड आता है इसकी मदद से। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो सेकेंड हेयर स्टाइल में आपने जो पूंजी बनाई हुई है वैसे ही रहने देना है, बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इस साइड वाले पार्ट्स को यहाँ से रबड़ बैंड को उठाएंगे, ओके, फिंगर इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से, और हेयर को इस तरीके से लेके जाएंगे और नीचे की तरफ खींच देंगे, यहाँ से इस तरीके से फैला देंगे हेयर को। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी करना है, रबड़ बैंड को इस तरीके से रबड़ बैंड के अंदर फिंगर को इंसर्ट करेंगे ऊपर की तरफ से, ये हेयर को ऊपर कर दीजिए, फिर से फिंगर इंसर्ट कीजिए और फिर हेयर को इस तरीके से खींच के लाना है और निकाल देना है। ऐसे निकालने से क्या होगा कि आपका जो ये दोनों हेयर एक्स्ट्रा हेयर जो बचे थे वो दोनों नीचे की तरफ से आ जाएगा और फिर अगेन नीचे की तरफ के जो रबड़ बैंड है उसमें से इसको इंसर्ट करते हुए इस तरीके से खींच लेना है और जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको इसके अंदर ही हाइड कर देना है। और ये हमारा सेकेंड बन हेयर स्टाइल बन के कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहो तो पूरा रबड़ को हाइड कर सकते हो और चाहो तो जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है इस तरीके से छोड़ सकते हो। ये सिर्फ एक रबड़ बैंड से ही बन जाएगा हेयर स्टाइल, आपको कोई भी पिन क्लिप्स अलग से यूज करने की ज़रूरत नहीं है और आप इजीली मार्केट वगैरह में शॉपिंग करने जा सकते हो इस तरीके से बन बना के। और चाहो तो ये पूरा भी हाइड हो जाएगा इस तरीके से। ओके, और चाहो तो जैसे मैंने किया था उस तरीके से कर सकते हो। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया।
आप मार्केट वगैरह जा रहे हो तो ऑयल मत लगाइएगा, अगर लगा है तो भी आप इस तरीके से बना के, बस आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि बन आपका थोड़ा हाई बने तो लुक अच्छा आ जाता है। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया, चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको हेयर का जो क्राउन एरिया होता है उतना हेयर लेना है। ओके, बैक के हेयर को छोड़ देना है। और इस रबर बैंड की एक और ख़ास बात है, इससे हेयर आपके उलझते नहीं है एंड खींचते भी बहुत कम है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल भी कम होता है। देखिए मैंने इतनी जो 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 से हेयर खींचे हैं, फिर भी मेरा एक भी बाल इसके अंदर नहीं आया है। अब आपको इस तरीके से हाफ पार्ट ले लेना है बालों का और यहाँ पे रबर बैंड को लगा देना है। थ्री पार्ट्स मतलब 3 बार, मतलब जितनी बार में आपका हेयर टाइट हो जाए। ओके, और इस तरीके से टाइट कर लेना है। ओके, फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। अभी आपको आपका जो हेयर है इस तरीके से लेना है और यहाँ पे हेयर को उठाएंगे। इस तरीके से निकालना है, सॉरी, टाइटली एक बार निकाल के इस तरीके से हेयर को निकाल देंगे। और जो आपका हेयर है उसको ऐसे फैला लेंगे। ओके, उसके बाद फिर जो आपके हेयर बचे हुए हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से कॉम करेंगे। इस तरीके से लपेटते हुए और रबर बैंड को लेंगे और हेयर को इसके अंदर से इंसर्ट कर देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड के हेयर को भी लेंगे और आपका क्यूट सा हाई बन बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। दूसरी साइड से लेके आएंगे और ये जो हमारा ऊपर में रबड़ बैंड दिख रहा है इसी में से इस हेयर को लेके ऐसे निकाल देंगे। और ये हमारा थर्ड एंड लास्ट हेयर स्टाइल बन के रेडी हो गया। ये देख सकते हो आप, ऑयल के साथ भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड काफ़ी मैसी सा लुक आएगा अगर आपने ऑयल नहीं लगाया हुआ है तो। तो कैसे लगे आपको ये तीनों हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इस तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए। तो आप एक बार फाइनल लुक देख लो इसका। तो ये एक रबड़ बैंड की मदद से 3 बहुत ही सुंदर से क्यूट से हाई बन हेयर स्टाइल्स थे, जो कि आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से बना लोगे। और वीडियो हेयर स्टाइल बना के आप मार्केट शॉपिंग करने के लिए बहुत आसानी से जा सकते हो। और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।